हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अब विराट को तो पुलकित कह देता है कि भाई अब सम्राट हम दोनों ही सही की फैमिली और हम दोनों को ही देखना पड़ेगा कि सही के लिए क्या सही ही डिसीजन है। तो वहीं विराट बेचारा अपने आप को पहले भी कोच रहा होता है कि सही की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार वही है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर पुलकित का ये इशारा अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसे हर्ट करने वाला है कि सही से हर रिश्ता पुलकित विराट से और चौहान परिवार से तोड़ देता है, सिर्फ सम्राट को ही उसका परिवार मानता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा। सही की हालत बहुत ज्यादा खराब है और विराट और घर वालों को बहुत तगड़ा झटका लगता है। विराट यहाँ पर पुलकित को नहीं बताता और वो खुद ही जाकर यहाँ पर अपना ब्लड देता है। पिछली बार भी सही की जान उसी ने बचाई थी और इस बार भी विराट का ग्रुप भी ब्लड ग्रुप से मैच करता है और वही अब सही की जान बचाएगा। पुलकित साफ मना कर देता है और विराट को अब यहाँ पर सम्राट कहता है कि अभी हमें सब कुछ सही के बारे में सोचना चाहिए, विराट ने जो भी किया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सही की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ब्लड का इंतजाम करता है और सही यहाँ पर उसका सर्जरी भी होने वाली है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, अभी उसे होश नहीं आने वाला है। तो वहीं पर अब विराट बुरी तरह से टूट जाता है कि सही को अभी तक होश नहीं आया है और जैसे ही होश आएगा सब घर वाले जैसे सही से मिलेंगे, सही किसी से कुछ भी बात नहीं करने वाली है और यही उसे तगड़ा झटका लगेगा कि अब सही अब खामोश कैसे हो गई। सही की खामोशी विराट से बर्दाश्त नहीं होगी और अब सही पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अलग ही तरह का बिहेवियर कर रही है जो किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा होता, और वो साइकेट्रिस्ट को बुलाएंगे और अब सही का ट्रीटमेंट अलग डॉक्टर से करवाएंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब विराट और सही के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ेगी और वहीं पत्र लेखा के अरमानों पर कैसे पानी फिरता है।